सभी देखा नहीं कि फेर में चार सुन लो कि इधर है लेक्चर, मैं उस रूम में घुस गई। याद आ रही है? कंप्लीट हुआ अभी तो, और बात नहीं है ना, क्या था मैंने लिखा था नहीं पढ़ेंगे ना समझ में आएगा फिर बाद में। किस शब्द का देखा था आप लोगों ने? आप लोगों का भावाचक और ये सब भी नहीं हुआ ना? हाँ याद रखा था युद्ध, जब मैंने ओरल कराया था युद्ध का संग्राम, लड़ाई, संघर्ष और समर, ये हो गया। बंदर तक लिखा है आप लोगों ने, ओरल और आगे तक हुआ था, ठीक है। आज डेट क्या है? ये बताओ ग्रामर नहीं करना है? ग्रामर आपके ऊपर टेस्ट में आएगा, वो जरूरी हो गया। जब वो भूमि करेंगे वो भी करेंगे, मैंने ग्रामर का थोड़ा सा पक्का, तो 2 घंटे का है ना, तो 2 घंटे में एक तो टॉपिक तो कवर ही करते हैं ना, पर्यायवाची भी लोग कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर जन्मभूमि करेंगे। पेज नंबर 130 पर्यायवाची। अभी जो आपको डिफिकल्ट लगे वो लिखेंगे, जैसा कि पहले लिख रहे थे, और बाकी का ओरल करेंगे। राजा का बताइए। राजा की पर्यायवाची तो चलाते हैं भूपति। भूपति और देख देख के बोलो।
इतना दिमाग लगा है पढ़ने के लिए होती नेप मतलब राजा सम्राट होते हैं ना और भूप महीपत लिखना है नहीं याद रहेगा सम्राट सम्राट अशोक याद कर लो या ऐसा कुछ रिलेशन याद कर लो भूप सम्राट नृप ठीक है और महीपत भी है अब आपको जो सही लगेगा याद करो इसके बाद है रावण का रावण को कहेंगे दशानन और एक और मेन क्या है लंकेश दशानन और लंकेश दो तो बहुत ही सिंपल से हैं बहुत ही ऐसा कॉमन वर्ड है बाकी उसके बाद आप दशानन दशानन लंकेश और क्या बोला था मैंने नहीं ठीक है दशानन लंकेश और बस दशपन बोला दशपन है ना अपने के लावण के लाल के दस दशपन बैठेगा तो गला रहेगा दशपन सर के नाम करना वो गले से जुड़े हुए होंगे ना बच्चे गला एक है उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो लगते हुआ होगा क्योंकि पर ऐसा बॉडी ऐसा हाँ हम लावण के दस सर पे हाँ तो उसके बाद है राक्षस असुर दानव निशाचर रजनीचर रजनीचर रजनी मतलब रात चर मतलब चरने जैसे निशाचर वैसे रजनीचर याद रखना ऐसे फिर है लक्ष्मी का क्या होता है लक्ष्मी अरे पार्वती अलग पैसा लक्ष्मी का हरिप्रिया हरि मतलब विष्णु विष्णु जी की पत्नी है इसलिए उनका नाम उनको हरिप्रिया भी कहा जाता है विष्णु प्रिया भी कहते हैं रमा और कमला कमला रमा कमला उनको बोलते ना हरि के विष्णु जी की पत्नी को कमला भी बोलते हैं ठीक है कमला विष्णु प्रिया हरिप्रिया रमा इसके बाद है वृक्ष पेड़ झाड़ू हाँ हुआ था लेकिन मैंने बोला लिया था अभी तभी नहीं बता पा रहे तरु देवता तरु और पादर इसके बाद है विष्णु नारायण हाँ जैसे उनको विष्णु प्रिया बोला है वैसे इनको क्या बोला है लक्ष्मी प्रिया लक्ष्मी प्रिया बोलेंगे लक्ष्मी पति ठीक है और फिर केशव नारायण केशव जनार्दन और लक्ष्मी पति फिर है समुद्र का लिखेंगे सागर और क्या समुद्र आ गया
फिर ये कितनी है 17 चलो देखिए जल अधिवारी तो लिखा ही है नीरज होता तुम क्यों घूम रहे थे बंद गई वो फिर आ रहे हो फिर क्या है ये हो गया विष्णु का हो गया समुद्र हो गया सरस्वती सरस्वती का क्या होगा बताओ विद्या विद्या सरस्वती तो किन किन नामों से जानते हैं उनको विद्या क्या विद्या की देवी है वो सरस्वती विद्या देवी कुछ भी नहीं होता बेटा सरस्वती का भाटी शारदा बागेश्वरी और महाश्वेता तो याद रखो शारदा और भारती शारदा भारती बागेश्वरी ये तीनों याद रखो मेन है फिर महाश्वेता भी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा संसार का संसार विश्व विश्व जगत जगत दुनिया और भव वो था ना आप लोग के वो कविता वाले ने किसी में तो भव था वो वाले स्वर बना सकते हैं भव मतलब दुनिया संसार ठीक है ये दिखाने की जरूरत है ना ठीक है संसार क्या कर रहे हो टच कर रहा है विश्व जगत अलग अलग बैठ जाओ दुनिया सिंह का बताइए सिंह का सिंह अरे सिंह मतलब क्या होता पहले मीनिंग समझा सिंह मतलब जो वेरी होता है ओह तो सिंह बोलते हैं सिख लोग बोलते सिंह सिंह सर्वे की बात में नहीं कर रही सिंह है हाँ सिंह हम ये सिंह और बोलो हम म्यूजिक की बात ये सर नहीं बोल तो वही है ये सॉरी तो बोलो नहीं हाँ मैं सरनेम का बोल दी सरनेम में भी सिंह ऐसे ही लिखा जाता है ये सिंह का मतलब बताओ अरे तो कौन को पढ़ा रहा है स्टूडेंट मंगरा बार मंगरा अच्छा देख कर बोल सिंह मतलब शेर होता है और ये मैंने मैं भी याद था ना सिंह इसकी तो सिंह मतलब शेर मंगरा अक्षय कुमार ही आगे देखना की अक्षय कुमार की ये कौन सी यानी सांसद है यहाँ पे बेटा वो बात की बातें पहले ये सुनो सिंह का क्या क्या होगा लिख लो केसर वनराज शेर तो रहेगा ही रहेगा लिखो कुछ लिख भी रहे हो तुम क्या साथ में मैं रख कर दूंगी एक कर और नोटबुक आज भी नहीं आई नोटबुक नहीं आई क्या लिखा है
एक ही में सब लिख रहे हो? हाँ लेकिन तुम्हें ना हम पहले दिन ही लोग दूर गए होंगे बार बार आप लगे थे क्या तुम्हारा कुछ नहीं होता छोरी का इंद्रिय नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है दिखा के देते घर का क्या छोरी कैसे करते हैं कौन सा सब्जेक्ट किया है इसमें बायो की है फिजिक्स ना सेंटा फिजिक्स सिंह का शेख वनराज वनराज मृगराज 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 और मृगेंद्र मृगेंद्र इस तरह से मृगेंद्र सेवक का बताओ दास और दासी अरे दासी सब को रास्ते में ही आओ नौकर और सेवक 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 मैंने तो कहा था और यस एक शब्द होता है चाकर नौकर चाकर छोड़ देना दास सेवक नौकर चाकर सूर्य की बताइए सूर्य सर सूर्य सूर्य देवता हाँ आगे से बढ़ो सूर्य देवी के आगे बढ़ो पर्यावरण बनाना सूर्य देव तो किन किन नामों से जाना नाम देव है हाँ वो ये देखते थे तारक मेहता का जेठालाल जी चढ़ाता था क्या क्या बोलता था दिनकर दिवाकर भान भास्कर आदित्य रवि ये सब सूर्य के हैं ना ठीक है लिखो इतना ही किया रहेगा इतने दिनकर आपके बुक में कैप्शन लिखा है अच्छा इसमें सभी नदियों का दिवाकर आदित्य और भानु होता है फिर है सोना का बताइए सोना मतलब बोल सोने वाला सोना नहीं सोना मतलब गोल्ड वाला सोना हाँ सोना एक सेकंड दो दो सुवर्ण और कनक कंचन ठीक है ये सोना इसका मीनिंग होता है कंचन कैसे कंचन कैसे होगा बताओ स्वर्ण सुवर्ण कंचन कनक कनक मतलब सोना होता है स्वर्ण कंचन मतलब सोना पदक हाँ स्वर्ण सोना पदक हाँ स्वर्ण पदक मतलब स्वर्ण सुवर्ण कंचन और क्या बोला था कनक ये याद रखना लिखना है उनके लिए एक अरे भाई जरा लिखते तो दिखा लिख लिए ना
समूह का बताओ समूह समूह विभाग समूह का मतलब बताओ तो समूह की मीनिंग बताओ अच्छा वो की और दूसरे चलो यहाँ पर समूह मतलब क्या होता है ग्रुप होता है अभी यहाँ पर क्या बोला था हाँ समूह मतलब ग्रुप होता है ना ग्रुप को हिंदी में समझते हाँ और कैश और यात्री गण गण मतलब एक यात्री को नहीं बोलेंगे ना ढेर सारे जब यात्री होते हैं तो गण बोलते हैं और दल दल मतलब पूरी सेना है ना तो इस तरह से दल गण टोली और झुंड ये सब पर्यायवाची शब्द है क्या शब्द क्या था ये शब्द की पर्यायवाची सेना झुंड और नहीं लिखो नहीं तो आज की पर्यायवाची ही नहीं हो पाएगी आगे की तो छोड़ दो शत्रु मतलब क्या होता है शत्रु मतलब दुश्मन मित्र मित्र शत्रु का मित्र रिपु बैरी और अरे लिखा है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा दुश्मन आप लिख सकते हो समझ में आएगा तो रिपु बैरी अरे ये छोड़ दो ये डिफिकल्ट है तो आप लोग दुश्मन का ही दुश्मन याद रखो शत्रु का दुश्मन बैरी और रिपु ये याद रखो फिर है विरोधियां फिर शरीर तन 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 हाँ तन बदन और देह बोलते ना बॉडी को देह तन बदन और बदन और बदन में अंतर है मैंने आप लोगों को बताया था क्या नहीं बदन मतलब क्या होता है बताओ हाँ वजन नहीं बोल रही हूँ वदन वदन और बदन बोल रही हूँ ये वदन है और ये बदन है ये दोनों में अंतर बताओ और ये वजन बोल रहा था सब अलग अलग है ये पेट वाला वजन इसका वजन कितना है बताओ इसमें क्या ये छोड़ दो ये तो वतन और वजन आपको पता चल गया इस दोनों में क्या अंतर है ये बताओ
क्या ये वतन मतलब वो देश वाले वतन की बात, ये वतन होता है, ये वजन होता है कि तुम कितने किलो फल खरीद कर लाए, वजन हाँ, तुम कितने किलो के हो वो वजन होता है। और ये इसमें दोनों में अंतर बताओ, किसका, ये वाले का कि ये वाले का, नीचे या ऊपर? ऊपर शरीर होगा, कितना चीटर है। बदन मतलब शरीर, और इसका मतलब बताओ, ओ भाई बताओ ना इसका मीनिंग बताओ। अभी गणपति चल रही है ना, किस तुम्हारे घर में गणपति है, तुम्हें आरती करते हो, गजवदन आता है कहीं पर, नहीं आता तो कहीं तो उनके श्लोक में कहीं तो आता है गजवदन, तो वो ये शब्द सुना है गजवदन, सुना है, इसकी मीनिंग बताओ। गज मतलब बताओ, हाथी, हाथी ठीक है, वदन मतलब मुंह, हाथी जैसा मुंह, गज वदन, वजन वदन मतलब मुख, ठीक है हाँ। तो ये इसकी मीनिंग होती है मुख, और इसका मीनिंग होता है शरीर, समझ आया? Yes. चलो आगे देखें, चलो ये हो गया आप लोगों का। शक्ति मतलब होता है बल, ताकत और पराक्रम, बलशाली, बलशाली, शक्तिशाली। चलो अभी इतना है, बाकी आप क्या है, बाकी कहाँ जा रहा है, बेवजह की बातें क्यों बोलते हो, इतना हो गया। अब इनके बाद आपकी बुक से आपको पढ़ना है, उसमें जितने भी वर्ड मीनिंग, ये सॉरी पर्यायवाची लिखे हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उतना पढ़ो, लिखाने का जितना लिखाया गया वो ठीक है, बाकी पढ़ना है। आपके पास दूसरी ग्रामर बुक है तो उसमें से भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं से उठाकर पटकते हैं, वैसे तो आपका ये दफा इसमें जितना है वो पर्याप्त है, लेकिन अगर और भी आपके पास है तो टाइम मिलता है तो थोड़ा सा वो भी पढ़ लो, ठीक है, एक्स्ट्रा लगता है कि इससे अलग और भी है तो, नहीं तो इतना तो ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे विलोम, विलोम में आपको मजा आएगी शायद, नहीं ये रंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना भी नहीं उमड़ना चाहिए, शेडिंग डालिए विलोम, अगर अभी कोई भी बोला तो सबको मैं अलग अलग और एक एक सीट छोड़कर बैठी बोलती। चलो विलोम लिखो, विलोम का आपको दूसरा किस शब्द से जानते हैं, विलोम को दूसरे किस शब्द से जानते हैं,
पर्यायवाची को समानार्थी भी बोलते हैं, विरुद्धार्थी। हाँ विरुद्धार्थी या विलोमार्थ। हाँ विलोमार्थी शब्द या विलोम शब्द ऐसा सब बोला जाता है। ठीक है, पहले आपने बचपन में बहुत सारे विलोम शब्द पढ़े हैं, दिन का रात सुबह का शाम होता था, पतला छोटा लंबा ऐसा करके, लेकिन अभी इसमें थोड़े से अलग है। ठीक है, बाकी तो बहुत अभी मन में सोच रहे होंगे कि नोम में क्या है, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते, और समझ में आते नहीं है तो गलत से आप लिख कर आते। अब जैसे हो गया अनिवार्य, अनिवार्य का क्या होगा? ऐसा नहीं कुछ भी नहीं लिख सकते, अनिवार्य का मतलब मीनिंग पता है ना? सभी प्रश्न अनिवार्य है, कंपल्सरी। अब उसका कुछ भी क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वैकल्पिक। ठीक है, ऑप्शनल को वैकल्पिक, ये वाला लिख लो इस टाइप के, सारे लिखा दो, सारे लिखने हैं तो लिखो, मुझे बहुत कमी मैं लिखा दूंगी। ठीक है, अनिवार्य का वैकल्पिक। आग्रह का दुराग्रह, अत का मतलब बताइए। अथ 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 सिंपल सा अथ। अथ मतलब शुरुआत, उसका होगा इत। हाँ आरंभ मिलता है, हाँ उसका समानार्थी, लेकिन अथ का आरंभ भी हो सकता है, वो उसी जगह सेम शब्द की बात करती है। ठीक है, तो अथ का इति। ठीक, और फिर है उष्ण का, उष्ण बताओ। उष्ण आप लोगों ने ये शब्द पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप उष्ण बोलते हैं, उष्ण मतलब गर्मी। हाँ सूर्य की उष्णा है। हाँ उष्णा उसको बोलते हैं, उष्ण नहीं बोलते, वो उष्णा है। ठीक है, उष्ण का शीत, उष्ण मतलब गर्मी होता है और शीत मतलब ठंडी, उष्ण का शीत। इसका जब तक आपको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी तब तक आपको थोड़ा सा लिखने में मुश्किल आएगा, तो जो शब्द है उसकी मीनिंग समझने की पहले कोशिश कर। फिर है इहलो, इहलो 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 मतलब इस लोक में, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था। ठीक है, इन लोग का क्या होगा? परलोक, परलोक सिद्धार्थ है, इन लोग में और परलोक। ठीक है, याद रहेगा इन लोग परलोक, इसीलिए बोला वैसे उसको स्वर्ग बोलते हैं, वैसे में स्वर्ग बोलते हैं, नर्क और स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग और नर्क। अभी मैं आगे और बताती हूँ, कुछ चीजों की मीनिंग सेम होती है लेकिन किस शब्द के साथ कौन सा शब्द प्रयोग करना है ये हमें ध्यान रखना होता है। अब जैसे आपका नया, नया शब्द, नवीन शब्द, और ये सारे शब्द नया और नवीन की मीनिंग क्या है? नया नया नवीन सेम मीनिंग है ना, लेकिन नवीन का गए काम से नया नवीन नूतन, तीन की मीनिंग सेम होती है। नया नवीन नूतन, तीनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन और भी क्या बोलते हैं, नहीं तीनों की मीनिंग सेम होती है लेकिन किसके साथ कौन सा शब्द, जैसा आपने बोला ना कि उसका स्वर्ग भी लिख सकते हैं या कुछ ऐसा बोला ना, तो हाँ तो सुनो, इहलोक और नरक और ऐसा ये जो है वो सेम है, लेकिन इहलोक का परलोक, नरक का स्वर्ग, ऐसा ही विलोम में आएगा, नूतन का पुरातन आएगा, नया का पुराना आएगा और नवीन का प्राचीन आएगा।
अगर आपने नया के साथ प्राचीन कर दिया तो टीचर के मूड पर डिपेंड करता है, उसने अगर आपका गलत कर दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते, जबकि मीनिंग सेम है। तो किस शब्द के साथ कौन सा विलोम शब्द यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ आया? हाँ, तो इसमें क्या था अभी, इन लोग का परलोक लिखाना है क्या? नहीं, नाम याद याद रहेगा, लिखा तो क्या हो गया, इतना नहीं चल रहा है। हाँ नहीं जी, मैं बोलती हूँ पहुंचा नहीं तो जब तक इतने है ना कोई भी गलत यूज करा। ये इसके बाद थोड़ा इसको समझ ले, मैंने क्या बोला, बचपन में तो आप लोगों ने बहुत दिन का रात सुबह का शाम अंदर का बाहर पढ़ लिया, लेकिन इसमें समझ तक पढ़ने की जरूरत है। आशा का अमृत का उत्कर्ष मतलब मीनिंग बता। नहीं 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 मीनिंग बता। अभी मैंने लिखाया पर्यायवाची में लिखाया था उसे। उत्कर्ष मतलब आगे को बढ़ना, अपकर्ष मतलब नीचे। ठीक है, चलो लिखाने की जरूरत है। नहीं मैम, आप फिर है उदार का अनुदार, अल्प का अल्प अल्प की मीनिंग बताओ। नहीं अल्प मतलब नहीं, अल्प विराम तो हाँ होता है, वो अल्प विराम है, लेकिन यहाँ पर मुझे याद है तो अल्प क्या कर तो हमने फिर गए। अल्प मतलब थोड़ा, ज्यादा, अल्पाहारी कम खाने वाला, कमाल, अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला जिसको बोलते हैं, अल्प मतलब थोड़ा तो उसका होगा अधिक। ठीक है, अतिवृष्टि निरामिष्टि, अतिवृष्टि की मीनिंग बता। सबसे पहले मीनिंग समझो, अतिवृष्टि मतलब बहुत बारिश, अतिवृष्टि हाँ बहुत बारिश। अच्छा हाँ, वृष्टि से ये समझा होगा इसको, ज्यादा मतलब बारिश। तो इसको इसका क्या होगा, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है ना, कहीं मराठी में बंगाली को। अतिवृष्टि का बताओ, हाँ अधिक बारिश, बारिश, और ये इसका क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी वो देखकर मत बोलो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि। ठीक है, इसके बाद है आपका इच्छा अनिच्छा, अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल अनुकूल का प्रतिकूल, ये एटमॉस्फेयर उनके अनुकूल था, मतलब कोई भी होता ना ये वातावरण उनके अनुकूल था या उनके प्रतिकूल था, हाँ अनुकूल का प्रतिकूल। फिर है उचित, अल्पायु, दीर्घायु और चिरायु दोनों होता है। फिर है अपकार, उपकार, हाँ करेक्ट, अपकार उपकार, उन्नति, अवनति, अवनति, अनुराग, विराग, अनुराग मतलब प्रेम, विराग मतलब ऐसा जिनसे प्रेम ना हो, अभिमान, नहीं मैं बताना मत ना, अभिमान तो वही है, घमंडी है, स्वाभिमान 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 नहीं 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 स्वाभिमान और स्वाभिमान नहीं बोलते रेस्पेक्ट।
बोलो अभिमान का नम्रता। जो विनम्र लोग होते हैं, अभिमान मतलब जिसके अंदर घमंड आ जाए, और जो विनम्र होते हैं उनको नम्रता बोलते हैं, मतलब अंदर नम्रता है। ठीक है, धनी का नहीं। देखो मैंने इसके पहले सबसे पहले चलो याद कर लो, और जो डिफिकल्ट नहीं बताना वो लिखा हो। जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा बताना मैं लिखाते चाहूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि अभी तो सब बता दो जैसे तैसे कैसे याद कर दो और बाद में कुछ भी याद रखें। धनी धनी हाँ, ओ धनी ना धनी मत याद आ रहा है तुमको? हाँ था के धनी वाला था। धनी का निर्धन, धनी मतलब जिसके पास धन होता है, और जिसके पास धन नहीं होता तो निर्धन है। इसके अलावा एक वर्ड अमीर गरीब होता है, इसके अलावा एक वर्ड और कौन सा वर्ड आ रहा है? तो देखो यहाँ पर अमीर का गरीब लिखेंगे, धनी का निर्धन लिखेंगे, ऐसा नहीं कि धनी का गरीब लिख दिया। समझ आया? ये सारी चीजों का ध्यान रखना। क्या हो गया, ज्यादा सोचने लगे क्या? दुबेश क्या हो गया, सिर दर्द होने लगा? फिर क्या होगा? फिर है अंधकार। इसके लिए ध्यान रखना, अंधेरा का उजाला, अंधकार का प्रकाश। ठीक है, इसमें ये चीजों का ज्यादा ध्यान रखना कि किसके साथ कौन सा शब्द लिखना है। गमन, गमन, हाँ गमन का आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। फिर है जंगली पालतू, जंगली का पालतू, जंगली मतलब वाइल्ड एनिमल जैसा होता है, और पेट मतलब। ठीक है, और नवीन प्राचीन, अभी बताया था, अपना दिमाग खोल कर बैठो। अनुज, अग्रज, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। उपयोग, अनुपयोग, जो डिफिकल्ट लगे लिख लेना या बताना। आगामी, आगामी ये वाला जरूर लिखो। हाँ मुझे याद है ना, मतलब नेक्स्ट वीक ना, आगामी मतलब नेक्स्ट वीक, ऐसा कुछ दिया नहीं रहता। आगामी एक थप्पड़ मारे के बुक खोल खोल कर देख रहे हो जो, समझे मीनिंग बताओ इसकी। हाँ बस देख कर आंसर कर लीजिए, सॉल्व करना नहीं आता, सिर्फ आंसर देख कर डाल दीजिए। सीरियल के लास्ट में आगामी, आगामी का दे। अच्छा आगामी, आगामी मतलब आने वाला। अरे मतलब बीता हुआ, गत दिनों में ऐसा हुआ था, आगामी दिनों में ऐसा हुआ। सीरियल के साथ में गत काल लिखा था। हाँ तो वही, यही सब याद रखा। ठीक है, इसके बाद है आकर्षण, आकर्षण अनाकर्षण विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण लिखो। हाँ लिखो, विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। इसके बाद है उद्यम, उद्यम मतलब जो उद्यमी शब्द सुना है, जो इंसान कुछ अच्छा अच्छा करता है, क्रिएटिव माइंड होता है, मतलब कुछ तो करता है, और उसका आलसी, उसका अपोजिट आलसी, जो आलसी होते हैं वो बैठे रहते हैं। और क्या नहीं, आलसी
उद्यम का मतलब जो कुछ करने की सोचता रहता है, आलसी जो बैठे रहते हैं शांत, नाकार तो वो अलग हो गया, नाकारा जो काम करना, ठीक है। आदि अंत, आदि अंत, आदि मतलब इसका आकाश का, हाँ डरो नहीं बोलो, आकाश का पालन ऊपर ही लिखित। मतलब भी जो जिनके पढ़ते ना, निम्नलिखित प्रश्नों के ऊपर लिखित, मतलब ऊपर लिखे हुए निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, दिखा दू लिख लो लिखित क्या हो गया, देश में क्या हो रहा है, देश में होने दो, तुम अपनी क्लास में जो कर रहे हो देश का भी। इसके बाद है अधिकतम, उग्र की मीनिंग बताओ, ऊपर उठने वाला, हाँ ऊपर उठने वाला नहीं, तो बच्चे बहुत ज्यादा ऐसा स्मार्ट हाँ शांत हुआ, स्मार्ट भी नहीं होगा बेटा, वो जो उल्टा बोल सकते हैं अरे जो बच्चे बिल्कुल शांत नहीं बैठते हमेशा ऐसा, नहीं क्लास में नहीं हो दूसरा शब्द है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उस प्रकार शांत शांत, चलो उस प्रकार शांत आदान का बताओ, आदान का प्रदान, आदान प्रदान, आदान का प्रदान, उतार चढ़ाव, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब बताओ, छोटा मैं बात करता आएगा, नहीं आंसर आ गया उसकी मीनिंग बताओ, उत्तीर्ण मतलब पास होना, वो अपनी क्लास में उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण उसका क्या मतलब फेल हो गया, पास पास, इसको लिख लो, इसके ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना इसलिए लिख लो, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का नहीं, दाता दाता का मीनिंग क्या होता है, अरे दाता का विधाता थोड़ी ना, वो पर्यायवाची थोड़ी ना, दाता की मीनिंग क्या होती है, दाता मतलब देने वाला है ना, भगवान बोल सकते हैं, और जो लेता है उसको क्या बोलेंगे, दिखानी मत बोलो, नहीं चुड़िया चुप गई थी, चलो लिखो चयन, चयन लिख अफसोस बाद में कर लेना, पहले लिखो
नाम देखो ना इतना शुक्र ये मेरे साथ भी क्यों होता है ना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो सो इतना मैं दिमाग से क्या करूँ चलो इसके बाद का लिखो आयार मिया नरियार नरियार मिया मिया दिखाना है क्या प्रिया प्रतिक्रिया एक दोष दोष निर्दोष हाँ दोष निर्दोष ये थोड़ा सा इसलिए लिख लो कि इसको लिखना सीख जाओ लिखने में थोड़ा सा ये दोष का निर्दोष इसकी मान खेद खेद का मतलब बताइए खेद का मतलब है कि मतलब हमें अफसोस है पहले जब डीडी नेशनल आता था ना तो जब पिक्चर नहीं आती थी तो बाद में लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है तो दुख है अफसोस है तो खेद का क्या होगा वो बच्चा से मतलब नहीं होता था पैसे भी वो जब पिक्चर नहीं आती थी उनको कुछ ऐसा हो जाता था बड़ा हो जाता था ठीक है खेद का होता अफसोस तो उसका होगा प्रसन्नता अरे ऐच्छिक मतलब जो इच्छा से हो और वैच्छिक मतलब अनैच्छिक बिना इच्छा के अच्छा जो भी करते हैं आईनों में हम कर पत्र अभद्र हाँ खाद निखार अनाखार हर जगह आ नहीं लगता है अब खाद खाद का प्रतिभा अब से तीन तरह हमारे जो भी चीज़ लगा रहा है भाव अभाव अभाव मलिन की मीनिंग बताओ मलिन मतलब जो गंदा है अरे गंदी चीज गंगा मलिन मैली हाँ मैली को मलिन भी बोलते हैं शुद्ध साफ गंदा का साफ होगा देखे थे क्या मैंने आपको मैली में बताया मलिन में निर्मल सजीव सजीव हाँ सजीव मतलब उदय उदय मतलब उदय मतलब होता क्या रुको रुको अरे क्या है आपने क्या बोला चुप रहे भगवान कर तो ही बोलेगा इंसान रह गया मैं किसे बोल रहा हूँ क्या है उदय बोला तो बेटा उदय आज सूर्या साहब अरे यार ठीक है उदय का अस्त दिखाना है हाँ मैं भी दिखाऊंगा ये दिमाग अपना खोल के नहीं रखा इसका जानते हो रमेश इसका क्या प्रॉब्लम आया बेटा आपको आपको ये निबंध लिखने में बहुत प्रॉब्लम आया आपके पास क्या है शब्द नहीं है ना वो शब्द आप सोच नहीं पा रहे जबकि मतलब वहां तक ध्यान ही नहीं जा रहा है अगर शब्द आपके पास रहेगा तो फटाफट से बता जैसे इंग्लिश में होता है ना उसी तरह से हिंदी में भी शब्द नॉलेज होगा तभी आप लिख पाओगे पत्र में भी नए नए शब्द की जरूरत पड़ती है और निबंध में तो बहुत ज्यादा
तो उसके लिए चाहिए पता था। हाँ, वो पता था लेकिन वहां तक दिमाग नहीं लगा पाया ना, मतलब पता तो था। चलो उदय का अस्त्र दिखाने की जरूरत नहीं है। आधा टाइम होता है वो सीधा खींचो या ऐसा कर दो। क्या बोल रहा था, उदय का अस्त्र लिख लो। वैसे है वो बड़ा आसान है। और इसको पेन का साइज नहीं करा भी कितना पेन है ये बात पेन का पेन मान लो हम डेड कर देता आपके नाम से उसने ये काम किया। नहीं नहीं मैंने क्या बोला, किसी किसी के साथ कोई भी वर्ड नहीं लिखना है। गुप्त का प्रकट है उपस्थित अनुपस्थित उपस्थित का अनुपस्थित निकट का दूर परोक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। आदर अनादर आदर का अनादर याद रहेगा। हाँ हाँ अरे यार से अरे सारे इसकी मीनिंग बताओ। इस मैंने घृणा की मीनिंग बताई है, अभी इसका विलोम बताओ। घृणा का प्रेम ठीक है, लिख लो। ठीक है अंधेरा जाला जाला न्याय अन्याय अपना अपने लोग हैं वो उनके लोग हैं पराये लोग हैं अपना पराया याद रहेगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट का मतलब होता है जो मतलब उच्च क्वालिटी का उत्कृष्ट, और निकृष्ट होता है गंदे लोग होते हैं। इसके बाद है जड़ जड़ हाँ जड़ मतलब और उसका क्या होगा है।
जड़ रूट होती है उसको जड़ बोलते हैं नहीं जड़ का चेतन एकदम ऊपर का भाग होता है जड़ का चेतन इतना है एक तो बार तो क्या ही कर लिया यहाँ पे बैठ के जड़ चेतन इसको उधर तो जड़ चेतन इसके बाद आय गए आय मतलब आना वाला आय नहीं आय मतलब मीनिंग बताओ आय मतलब हाँ हाँ नाम नजर वैसे ये बताओ ये वाला आय मैं लिख कर बताती हूँ आप पता है आय मतलब आप वो इंग्लिश वाला नहीं मैं आय मतलब आय मतलब हाय होता है अच्छा हाय होता है वो हाय होता है आय मतलब इनकम तो चाहे आय फिर आय इनकम है नहीं इनकम क्या होती है सैलरी वे आय मतलब इनकम वे मतलब खर्च उत्थान पर्यायवाची में उत्थान की प्रवृत्ति पर्यायवाची उत्थान उत्कर्ष उन्नति विकास विकास क्या था ये सर ऊपर उठने की पर्यायवाची का बताओ उत्थान वो उत्थान की तरफ जा रहा है उत्थान मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है और पतन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है तो उत्थान का पतन पतन मतलब बेटा देखो अगर किसी की जॉब अच्छी लगी वो धीरे धीरे उसका प्रमोशन हो रहा है उसके पास हर चीज बढ़ रहा है तो लोग बोलते हैं ना उसका उत्थान हो रहा है मतलब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो उसके पास इतने पैसे थे इतने बिल्डिंग थी ये था वो था और सब बर्बाद हो रहा है अभी वो पतन के रास्ते पर जा रहा है समझ में आया तो इस तरह से उत्थान का पतन क्या हो गया अभी अभी समझा ये इधर का हो गया सबका क्या टाइम क्या ब्रेक क्यों चाहिए पूरा सप्पा हो गया आपको समझ में आ रहा है चैप्टर रीड करना शुरू करो हिंदी की कुछ किताबें ऐसी जैसे बच्चों वाली होती है ना बाल कथाएं या कुछ ऐसा वो सब पढ़ो और जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा उससे आप ज्ञान वो पढ़ने का बोल रही हूँ काका दादा पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ इधर का हुआ सबका क्या शयन दीप पूरा ये पूरा हुआ पूरा सिर्फ पत्र में ऑप्शन रहेगा और निबंध में हाँ रहेगा क्वेश्चन में भी रहेगा ग्रामर में नहीं रहेगा बाकी रहेगा तीन दिन आते हैं दो करने रहते हैं बात
हार्ट ऑफ द रिफाइनिंग में हम सर हार्ट का बोल का अपन टैक्स स्टार्ट कर हम तुम जाके बात कर रहे हो को दे ही देती हार्ट ऑफ पार्टी की बात बचपन में कहा था भाई वही तो था दिमाग कर रहे हैं क्या बोल रहे भाई इतना अच्छा है इसे मार कर दिया मैंने यहाँ से एक से बचकर तो मार कर दूंगा मैं तीसरी तो कर नहीं भाई मुझे याद है मैं हाँ हाँ जाके एक बार तो मैं सुनता है लड़के नहीं तीन बजे का टाइम कितना है तो तीन बजे के बोलते कितना है तीन बजे के बोलते कितने आते हैं तीन बजे से छह बजे से सोता हूँ उसके बाद दोपहर को सोता हूँ ये बात क्या है क्या कर रहा है क्या हो रही है इस बात तो मैं तुझे क्या बता रहा हूँ अच्छी लगती है हाँ वो ये बोलते हैं कि तीन के मात्र में किसी ना किसी क्या सोच के मन भाई क्या हो रहा है हम शायद कर रहा हूँ चलो आगे कर दे डी मीडिया से भी मेरा सेल्फ भी गूगल एक लड़का मीडिया का है एक भाई गूगल एक बार का कैसा था अच्छी बहुत बढ़िया था मैं वहाँ पर उसपे ही बोल रहा हूँ सिट मेरा कैसे बोल रहा है अपना दिखाओ जरा कितने ये भी लोग सकते हैं मैं तुम तो इतना पसीने से कैसे आया नहीं वो साइकिल से आया है मैं स्कूल की बात है अरे बाहर में आके फिर भी भाई ने लाइसेंस लिया तो काफी भी लेकर आया नहीं था ना मेरा वो उसकी गलती थी इससे गलती क्यों क्या मेरे नाम को गलत था चलो आगे कहाँ चिपचिपा है क्या करें क्या करेगा मैं यहाँ पर कोई है नहीं क्या क्यों सब खाक में मार के दे इसके कहां तक हुआ था आपका उत्थान पतन तक ना पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण ऊंचा नीचा जय एक मिनट ऊंचा मतलब दबा ऊंचा मतलब हाइट ऊंची हां नीचा अभी नीचे ऊपर ऊंचा पटरी में लेना हाँ नीचे ऊपर अलग रहेगा ऊंचा नीचा अलग रहेगा ठीक है इसके साथ कौन सा शब्द रहेगा हाँ फिर है स्वाधीन स्वाधीन जय विजय नहीं हार विजय पराजय पराजय विजय का जय पराजय ठीक है जय का पराजय स्वाधीन पराधीन पराधीन स्वाधीन की मीनिंग बताओ पराधीन मतलब
वो नहीं होगा स्वाधीन मतलब अपने अपने अंदर में अपने मन से काम करना, पराधीन मतलब दूसरे के हिसाब से काम करना, ठीक है। पराधीन सपने सुख ना ही आलोम के उसमें निबंध में आता है इस टाइप की, इस उक्ति के आधार पर कहानी लिखी है या कुछ ऐसा मौलिक कहानी लिखी है। तो पराधीन सपने सुख ना मतलब पराधीन दूसरे के अंडर में रहकर सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये मत सोचना कि आपके पेरेंट्स के अंडर में तो आपको सुख नहीं है। वो पराधीन का मतलब कौन सा होता है कि जब इंसान बहुत बड़ा हो जाए, वो जॉब नहीं कर रहा हो, या सबसे सीधा सा एग्जांपल है कि ये बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जब उनका हाथ पैर काम नहीं करता तो क्या हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। कोई उनको उठाएगा, खाने को देगा, कोई उनको उठाकर थोड़ा सा वॉक कराएगा, तो उसको पराधीनता बोलते हैं। तो इसी और फिर वो जो मैंने बड़े होने का बोला कि कोई इंसान अगर जॉब नहीं कर, ओ भाई कोई इंसान अगर जॉब नहीं कर रहा है तो वो क्या है, पराधीन होगा। पैसे चाहिए होगा तो आकर, मान लो जो कुछ नालायक बच्चे होते हैं बड़े बड़े पर भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो जाकर अपने अपने पेरेंट्स से बोलेंगे ना हमें कुछ पैसे चाहिए काम के लिए, तो क्या हुआ, समान हुआ तो दिया, नहीं तो डांट दिया। तो ये क्या है, ये सब पराधीनता कहलाता है, ठीक है। वो उसको क्यों बोल रहा था जब पढ़ने के बाद इंसान नहीं करता तब अभी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा ना, कोई इसके बाद ये याद रहेगा या फिर मैं लिखाऊं स्वाधीन का पराधीन, स्वाधीन लिखते हैं, ठीक है, स्वाधीन का पराधीन। स्व मतलब अपने अधीन, पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, पराधीन। फिर है जीवन, मरण, मरण जीवन का मरण, आहार, निहार, निराहार, निराहार आहार मतलब खाकर और निराहार मतलब बाहर खाई से पूरा अच्छा अच्छा बुरा खला, बुरा खला, हाँ बुरा का अच्छा भी हो सकता है लेकिन बुरा का बुरा है, बुरा खला ज्यादा सही। फिर है कठोर, कठोर बेटा, कठोर, हाँ हाँ इंग्लिश में करेक्ट बोलना चाहिए, कठोर का नहीं कठोर का कोमल, ठीक है। बुराई का भलाई, स्वाभाविक कृत्रिम मतलब क्या होता है, ठीक से बैठ भाई, कृत्रिम मतलब बनावटी, स्वाभाविक मतलब नेचुरल, इस तरह से, ठीक है। फिर है आपका निर्मल वाली में तो हो चुका था सामिश, ये लिख लो निरामिष, सामिश का मतलब बताओ, मैंने सही बोला, हाँ और सामिश कमी, मैं सामिश बात तेरे को मैं बताएगा, असामिश मतलब वेज और निरामिष नॉनवेज, हाँ नहीं मतलब नॉनवेज में होता है, निरामिष मतलब जिसमें नहीं है, ये भी मैं बंगाली से सीखा है, सीखा है ना, चलो क्या बंगाली में ज्यादा सीखने हो आपका, क्या मराठी तो मराठी में, मराठी हिंदी तो और ज्यादा सही होते हैं, मतलब झूठ, सत्य मतलब सही, लिखना है याद रहेगा, चलो। अब है निंदा,
मित्र का शब्द बता दो थोड़ा सा मित्र का शब्द हाँ निंदा स्तुति याद करना निंदा मतलब किसी की निंदा करना स्तुति मतलब किसी को याद करना ठीक है फिर सुगंध दुर्गंध निंदा की स्तुति लिख लो इसके माने मौखिक लिखित लिखित पतिव्रता पतिव्रता रुको पतिव्रता पतिव्रता रुको मैं आप बताओ मैं पतिव्रता इसे याद है पत्नी व्रता मतलब इसके वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन मैं सिर्फ ऐसा पढ़ा रही हूँ आपको पतिव्रता का कुलटा होता है कुलटा मतलब जो चरित्र लिंग होते हैं ना पतिव्रता मतलब जो पति को मानती है कुलटा मतलब जो पति का ध्यान मतलब वो चरित्र लिंग अपनी दुनिया में रहती है वो अलग बात ठीक है इसके बाद संक्षेप मुझे लगा सही बोल रहा है संक्षेप की मीनिंग बताओ संक्षेप की मीनिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए एक लाइन में लिखिए संक्षेप मतलब हाँ छोटे में लिखो तो इसका क्या होगा समझा किसी को याद आया थोड़ा सा संक्षेप पर विस्तार ओके फिर छूट छूट अछूत अछूत वादी वादी प्रतिवादी वादी प्रतिवादी फिर कटु उसकी वाणी कटु उसने कटु वाणी वो देने पर भी हाँ तो फिर उसका बताओ ना शीतल वाणी नहीं है ऐसी वाणी हो ये मन का आपा हो और वो शीतल से वाणी कैसे होती है वो बताओ नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो अपना दल शीतल करे और कुछ हो इसमें वो नहीं मिला आपको जो आप ढूंढ रहे हैं इसमें भी ढूंढ नहीं ना कटू हर जगह नील और लगा हर जगह वो आग नील लगाकर नहीं बन बताओ कटु कटु वचन उसका क्या हुआ उल्टा अरे वो माउंट केटू मधुर कटु वचन है या सभी मधुर वचन है मधुर वचन है या सभी कटु वचन है ये कटु का मधुर लिखाना है कटु मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर ऐसा याद कर कटुक वचन जो होते हैं वो तीर की तरह चुभते हैं मधुर वचन जो होते हैं वो औषधि की तरह दवा करते हैं आप डॉक्टर के पास जाओगे अगर डॉक्टर प्रेम से बोलता है तो लगता है कि आधा बीमारी तो चली गई लेकिन अगर वो चिल्ला कर बोलता है तो लगता है और बीमार होता है बोलता है तो मैं कोई नहीं डॉक्टर होते हैं ना कुछ डॉक्टर होते हैं वो ऐसा अपना रूट बियर करते हैं
पुरस्कार का बताओ। पुरस्कार तो मतलब कोई चिंता करते थे फिर नीचे चले गए पुरस्कार तिरस्कार हम खुश होंगे तो पुरस्कार देंगे तिरस्कार ये तिरस्कार क्या होता है तिरस्कार होगा पुरस्कार का तिरस्कार कैसे होगा तिरस्कार मतलब नफरत तिरस्कार करना तो पुरस्कार का बताओ ये लोग दंड हम दंड सजा पुरस्कार पुरस्कार बनना दंड दंड बेटा सजा 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 देते ना सजा नहीं सजा डंडी में लगे मजा आता है हाँ इसके बाद में कीर्ति कीर्ति अब कीर्ति कीर्ति का अब जटिल जटिल सुनो जटिल मतलब रुको शांत होना हाँ तो जटिल जटिल मतलब कठिन मुश्किल जटिल जटिल का सरल अभी मैंने वही बोला अभी बड़े बड़े शब्द आएंगे बाकी जैसे नहीं आएंगे जटिल का सरल दयालु का निर्दय कृपाल मतलब कृपा करने वाला तो उसका विलोम क्या होगा क्रूर हाँ क्रूर क्रूर मतलब जो ऐसे गुस्से वाले और मतलब इस टाइप के होते हैं ठीक है तरुण बूढ़ा हाँ वृद्ध उसका तरुण का वृद्ध होगा ठीक है देव दानव मित्रव्ययी और मित्रव्यय का मीनिंग नहीं मित्र नहीं है मित्र मित्र का मीनिंग अलग है मित्रव्यय मतलब कम खर्च करने वाला मित्रव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला मित्रव्यय मतलब कम खर्च और उसका अपव्यय पिछुल खर्च ठीक है मतलब कम खर्च ओ क्या कर रहे हो लिखो इसके बाद चांद चांद जल्दी इसके बाद है खरा अच्छा खरा मराठी हिंदी से कुछ वर्ड मराठी हिंदी के सेम होते हैं ना तो ये वही है खरा छोटा हारी खाली का दुराचारी दुराचारी सदाचार याद रहेगा सदाचारी मनुष्यता जानवर टाइप मतलब ये होते ना हाँ फिर है गरीब का मान अपमान मान का राजा का विनोद राजा का रंग राजा मतलब कोई बादशाह होता ही है रंग मतलब भिखारी मैं भिखारी
निरक्षर आरक्षण निरक्षर आरक्षण आरक्षण मतलब निरक्षर निरक्षर का बताओ जल्दी निरक्षर मतलब निरीक्षण होता है वो किस मतलब बोलने का मन नहीं हो रहा क्यों ब्रेक नहीं लाना तब भी नहीं काम कर रहा दिमाग बोलो निरीक्षण की मीनिंग बताओ आरक्षण आरक्षण दूसरा मीनिंग है निरक्षण दूसरा मीनिंग आरक्षण आरक्षण मीनिंग नहीं कोई ऐसा शब्द नहीं कोई निरक्षर मतलब होता है इलिटरेट अनपढ़ को बोलते हैं साक्षर इसके बाद है एक है मजा थोड़ा इजी थोड़ा से दूर से ज्ञान का ज्ञान अज्ञान पक्ष अविनाश का सौभाग्य सौभाग्य जन मोक्ष अरे मोक्ष दिमाग मतलब सेलिब्रेट मुक्ति है मोक्ष में जाना मतलब और बंधन मतलब बंधे रहना ठीक है मोक्ष का बंधन फिर है प्रीति का शय लिख लो हाँ मराठी में बुद्धि ही होता है प्रीति क्या कह रहा है शय ये हो गया इसके बाद आरंभ अरे ये भी करना पड़ेगा ठोस सबूत है सॉलिड का क्या लिक्विड तरल लिखना है नहीं ना लिखना है ठोस का तरल तरह इसके बाद है आपका कायर कायर तुम नहीं कायर तुम तो बच्चे करो मेरे याद आ रहा है तुम्हें भूल गया मैं कल क्या कायर था भाई तुम लगे थे भूल गया थे कायर वो कायरों की तरह भाग गए तेरा बता मत रुको कायर बिल्कुल मत बताना बहादुर का अब
आधा घंटा है नहीं देर नहीं सोच रही बाबा आधा घंटा है मेरी पांच मिनट के लिए धक्का लग गया इसके बाद मैं बताती हूँ उसको सुनकर बाद में वो तो करेगी पांच मिनट फिर है भूत भूत लेकिन उसका विलोम बताना था ना बेटा कड़वा मीठा धीरे बगल में टेस्ट चल रहा है यस आवाहन धीरे बोलो पहले बगल में टेस्ट बैठ जाओ धीरे चलो आवाहन का बताओ आवाहन भगवान को बुलाते हैं ना आह्वान करते हैं अग्नि क्या करते हैं उनका विसर्जन आवाहन नहीं होते आवाहन हम भगवान का देवी देवताओं का करते हैं एक वो है भगवान मतलब ये पूजा होती है उसमें ये कहा जाता है आवाहन ना जाना मीना जाना विसर्जन मार देते हैं वो उसकी अलग अलग कहानी होती है मैंने ये कहानी सुनी है मुझे अभी कुछ अच्छा लगा कि 100% करेक्ट है कि नहीं मैंने ये सुना कि गणेश जी को ये 10 दिन का जो उनको स्थापना करते हैं जब उन्होंने महाभारत लिखी थी पता है आपको वही है ना उन्होंने महाभारत को 10 दिन में लिखा था यार कौन सी दुनिया में जी रहा है बस वो पंडित अलग वेदव्यास ने मतलब वो लिखा उन्होंने डिक्टेट किया और गणेश जी ने तो इसलिए जो है गणेश जी ने लिखा और वो 10 दिन में लिखे और ये है और उसके बाद उनकी बॉडी में उन्होंने क्या किया था पता है पूरा मिट्टी पूरा लगा दिया था वेद्यास जी ने इसलिए लगा दिया था कि उनको गर्मी और ये सब चीज का एहसास ना हो गर्मी ना लगे ना तो ये सब के लिए फिर वो 10 दिन जब बाद में वो डिस्टर्ब हो गया तो वो चिपक गया ना मिट्टी बॉडी में तो फिर उनको लगा कैसे चुराएं क्या करें तो वो ले जाकर समुद्र में उनको ऐसा सीधा बैठा दी गए तो हाँ नहीं बैठे वही बताया गया सुनो वही बताया गया कि आपने स्थापना की है ठीक है उनको ले जाओ लेकिन ऐसा नहीं ले जा पटक दिया ले जाओ आराम से उनको वहां पर जहाँ भी आप करते हैं सीधा बैठाना होता है सीधा उनको बैठाओ ऐसा नहीं लेकर फेंक के चले आप उनको तो ऐसा बैठा के आप बाद में तो वो पानी में फिर उसको देखने थोड़ी ना चाह रहे लेकिन बहुत अजीब रहता है ना किनारे पे कोई हाथ कर जाते हाँ तो फिर वही है ना बेटा लेकिन वो मिट्टी का ऐसा करो कि वो खुद होना होना चाहिए तो जैसे मतलब
ऐसे बिल्डअप बिल्डअप है वैसे दिन पर स्थापना की जाती थी और दुर्गा जी की मूर्ति को लोग ऐसा विसर्जन तो उनकी भी होती है तो उनको ले गए तो नाव से वो ले गए बीच नदी में ले गए और वहां पर ऐसा धक्का दे रहे थे मस्ती कर रहे थे मस्ती तो ये कहीं ना कहीं से जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनमें वो चीज आ जाती है और उनको ऐसा धक्का दे रहे थे कि लड़का मस्ती करते करते साथ में चला गया और डूब गया तो हर चीज को सम्मान से करना है ऐसा नहीं कि बैठा दिया तो पूजा पाठ किया और प्राप्त कर देखा तो ये तरीका नहीं होना चाहिए किसी के मन में श्रद्धा होनी चाहिए बड़े बड़े मूर्ति डाले पूरा पानी चला गया और वो मनुष्यता का पशुता था मानव का दान मानव का दान मनुष्यता का पशुता ईश्वर का ईश्वर का राक्षस देव का दान ठीक है मानव का दान देव का दान मिलता है सुर असुर होता है ठीक है कर्म निष्कर्म सगुण निर्गुण सगुण और निर्गुण आप लोगों ने कवियत्रि को पढ़ी है ना साखी तो वो निर्गुण के उपासक थे ना ठीक है कृतज्ञता और कृतज्ञ आप लोगों को अनेक शब्दों में एक शब्द लिखाया है क्या नहीं हुआ अभी नहीं कराया नहीं बच्चे क्या बात कृतज्ञ कृतज्ञ का मतलब होता है जब हम किसी के किए जब हम किसी के किए हुए उपकार को मानते हैं तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको बोलते हैं कृतज्ञ ठीक है देखो इसको फिर है ये बुक में कहा है वो देख लेंगे ठीक है मिलन मिलन मतलब मिलना बिछो मतलब बिछड़ना ठीक है फिर दिन का पूछ लिया आसान सा दिन का रात सुर सुर का सुर का जी अभी बोला था हाँ असुर करेक्ट है तुम लोग जो देवता हुई है वो बोला उसकी तरह बोली सुर का असुर पढ़ा है ना वो वाले का पुरस्कार में मूक बेबस हाँ मूक मतलब जो बोल नहीं सकता तो बताओ ना वाचाल मतलब बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला मुख मतलब जो बोल नहीं सकता वाचाल मतलब जो ज्यादा बोलता है ना बोलता मुख मतलब जो बोल नहीं सकता वाचाल मतलब बोलने वाला ठीक है मितव्ययी और वो उसके लिए अलग है मितव्ययी अपव्ययी कम खर्च करने वाला अपव्ययी का फिजूल खर्च करने वाला इसके बाद है आपका दुर्लभ दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल होता है उसका क्या होता है हाँ उसका क्या होगा दुर्लभ का पता होता है कठिन का आसन हाँ कठिन का आसन होता है सुलभ ये काम बहुत सुलभ है आसान दिखाओ लिखो ये सामान मिलना दुर्लभ है तो सुलभ कोशिश करो आज के तो आपका हो ही जाएगा हो जाएगा दुर्लभ का सुलभ फिर है रुग्ण रुग्ण मराठी शब्द है बताओ रुग्ण
भाई तू छोड़ भाई अपने लाइंस का तक खत्म कर। रुकड़ाले पढ़ाए कहीं पर? हाँ मम्मी मार मारे थे मेरे पास। रुकड़ाले नहीं पता? हाँ मार मार क्या होता सुना है लेकिन मैंने नहीं पता। रुकड़ाला मतलब हॉस्पिटल को बोलते हैं मराठी में। रुकड़ाला है रुकड़ाले और वो वही हिंदी में उसी को बोलते हैं मराठी में। मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो रुकड़ाला बताओ रुकड़ाले नहीं पूछ रहे स्वस्थ मतलब बीमार और उसका उचित होगा स्वस्थ समझ आया। रुग्ण मतलब बीमार रुग्ण मतलब बीमार होता है ये इसमें ऐसा लिखा तो इसका स्वस्थ होगा ज्यादा समझ में आ गया क्या। फिर धर्म अगर मंगल मंगल अमंगल गहरा गहरा नहीं गहरा 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 नाम गहरा कम गहरा गहरा इसको क्या बोलेंगे बता। गहरा मतलब डीप तो शैलों को क्या ही बोलेंगे शैलों को डीप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको जाल ठीक है लिखना है ना हाँ लिखने वाला को लिख हास्य ठीक है। फिर है रक्षक भक्षक भक्षक गुरु हाँ गुरु भाई मैंने बोले अभी फिर उसने तो बोले यार बोल क्या स्टूडेंट क्या होता है विद्यार्थी नहीं कॉलेज शिक्षक बेटा तुमको शब्द तुमको शब्द बहुत याद करने की जरूरत है नहीं तो आता आता नहीं तो आपके संकल्प में तो क्या होगा सबसे शिक्षक का विद्यार्थी हो सकता है अध्यापक का विद्यार्थी होगा शिक्षक का नहीं अध्यापक का विद्यार्थी होगा लेकिन गुरु का शिष्य होगा। वरदान 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 अरे तुमको अभिशाप अभिशाप ठीक है पुरातन पुरातन विजय स्थिर या शांति शांत हुआ था ना यहाँ पर स्थिर विरोध चंचल विरोध का विरोध विरोध क्या कर रहा है तुम अपने दोस्त का विरोध कर रहे हो इसका विलोम बताओ विलोम बताओ विरोध का हाँ तो उसको क्या बोलेंगे साथ निभाना मतलब यहाँ पर विरोध करना मतलब तुम्हारा दोस्त जो है वो किसी कारण हाँ तो तुम उसका विरोध कर रहे हो तो उसका बताओ उसका बताओ हाँ तो बोलो ना वही तो बताओ विरोध समर्थन अरे हाँ कहाँ तक हो अभी विस्तार गया विस्तार गया विस्तार तो है अभी हाँ आप ये 40 वर्ष हो गया ठीक है कोई बात नहीं वो काउंट मत करो लास्ट में मुझे बता देना कितनी बताओ ये मैं क्या लिखने गई थी विस्तार ना विस्तार नहीं ना नहीं क्या लिखने गई थी
शुष्क का बताओ, शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब सूखा हुआ, इसका आर्द्रता शब्द पढ़ा था ना, याद कर रहे हो? शम्य, शम्य मतलब क्षमा करने, जो क्षमा कर सकते हैं, अशम्य उसका हुआ, ये भी लिख लो, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है। शम्य अशम्य घर ही जाना है ना बेटा, अशम्य खाना बना के देना, बनाना ही क्या तुमको, बनाओ ही तो खाओगे, बनाना आता है क्या बनाओगे? मैगी बाप का बताओ, पुण्य हर्ष, हर्ष का बताओ, हर्ष नहीं हर्ष, हर्ष मतलब कि ओ माय गॉड, मतलब हर्ष हर मैं मतलब मीनिंग तो बता दूंगा, हर्ष मतलब कि जैसे तेरी मुझे इतना हर्ष है, तो दया आ रहा है, नहीं रहा हर्ष का दया नहीं, मतलब हर्ष प्यार ही नहीं, अभी बोल क्या रहा है, खुश हर्ष मतलब खुश, तो इसका होगा शोक, शोक ठीक है, हिंसा 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 कहाँ तक किया आपने? आइंदा तो बोलते थे, आइंदा मतलब नाम है, ये मतलब कहाँ तक किया होगा? इसका इसका कहाँ तक किया होगा? हम गांधी जी अगर आइंदा नहीं मारते थे, आइंदा हिंसा पर रोल करते थे, हिंसा हिंसा विरोध करते थे, हिंसा आपके पता चला मैं कहाँ हिंसा ना बिना हिंसा आइंदा का नाम हो गया हिंसा के लिए सो नाम के स्पेलिंग में चेंज नहीं होते, अब इतना हार्ड से बोलते हो उधर ही मॉडल हो गया, इसी को तो फ्रेंड्स हम जाए, इसलिए इसे भी साइन की शायरी में लिख दिया, दोनों ज्वाइन हो गया, जल्दी से लिख लो फिर पेपर पर, ये नोटबुक चेक कर लो, और इसके बाद है आपका सार्थक निरर्थक हुआ क्या? हां नहीं हुआ, तम का तम, तम मतलब अंधेरा होता है, तम का प्रकाश, ठीक है, तम मतलब अंधकार होता है, ऊपर या इसके बाद सार्थक का निरर्थक हो गया, निरर्थक नहीं होता निरर्थक, प्रमेय की मात्रा नहीं आएगी, वैध वैध अवैध, वैध मतलब अवैध मतलब, वैध मतलब क्या होता है? चीजों को मिक्स करते हो, एक तो ये वेद है जो की ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद कर रहे हो, ये वैद्य है ये जो डॉक्टर होते हैं, और मैं क्या बोल रही थी, मैं अपना ही भूल गई, मैं वैद्य बोल रही थी, वैद्य हो वैद्य, अभी दिल्ली का न्यूज सुना, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग गिराई गई, वो कैसी थी? इलीगल थी ना, तो ये वैद्य मतलब लीगल, अवैध मतलब इलीगल, ठीक है, तो ये सारे ये शब्द का ध्यान रखो, नहीं तो कुछ का कुछ लिख कर आओगे सब, ये क्या कर रहे, चलो इसके बाद शांत का अशांत, सुगंध दुर्गंध, साकार निराकार, निराकार साकार का साकार मतलब जिसका कोई आकार है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, संधि
संधि मतलब चांस संधि तो मतलब इस संधि तो फिर लेटर ना शादी में काम घुस जाता है अगर मेरी शादी हुई तो मेरे बाबा संधि संधि मतलब जो संधि मतलब जोड़ विग्रह मतलब अलग होना हो चुका है लेकिन वो आगे का पीछे कुछ करके हुआ है हुआ था ना आज से का रुदन हुआ था ना अभी मैंने रुदन बोला तो रुदन कहा से होगा था फंसू है फिर है सदाचार संयोग लास्ट चलो अभी कितना टाइम है नहीं मैं नया टॉपिक शुरू कर सकता ये इसका तो हो गया नया टॉपिक कर रहे हैं नए में बहुत थोड़ा ये वो हम लोग शुरू करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द नहीं हुआ है पहले वो कर लेंगे वो थोड़ा ही करना है उसमें मैंने पत्र में पेपर वो नंबर नहीं मिला मैं क्या बोल रही थी अगर किसी को लग रहा है कि नंबर कम तो सबसे पहले मॉडल आंसर दे दो कि आपने क्या गलती की पहले खुद से उसको मैच करो गलती समझ में आ रही तो ठीक है तब तो समझ के खत्म करो फिर उसको गलती को सुधारो तभी नहीं समझ में आ रहा मन को लग रहा है कि मैंने मेरे साथ धोखा किया मेरे नंबर काट दिए तो लेकर आ रहा किस्मत की बात नहीं बेटा वो गलतियों को सुधारो जो गलती है उसको सुधारो और लगता है कि मैंने फालतू के मार्क्स काटे तो लेकर आओ अच्छा थोड़ा सा और हम लोग कर ही लेते हैं उसके लिए बताओ अनेक शब्दों के एक शब्द स्कूल में हुआ होगा ना क्या फायदा है लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ता है ऐसे मस्ती करके जिंदगी में अभी मस्ती करेंगे बाद में प्रॉब्लम आएगी फिर से लिखाऊ इस तरह से बेटा मैं फिर से लिखाऊंगी
क्या करते हैं ये क्या पिछली चीज करके ऐसा तो छोड़ो फ्री नहीं दिखते हैं आपने मुझे लाइन दी बात नहीं पड़ी कहाँ है लाइन नहीं छोड़ना है फिर ये क्या दिखा है तू देखा मैं बोर्ड में लाइन नहीं सब करा रही हूँ थोड़ा तो नोट फ्री कर पा रहा है ठीक है समझ आ रहा है थोड़ा सा ना मीट टाइम फ्री बात करना सीखो और आपको पता है मैंने ये प्रेजेंटेशन के लिए बनाया ठीक है शुरू करो चार नहीं रहेगा बेटा तो आपसे शिक्षा भी आगे ले पाओगे अरे वो क्या बोलते हैं अरे इसको यार तुम्हें पता होगा यूट्यूब है यूट्यूब पे जा रहे हैं और हिंदी पोयल और तो सुनने का नहीं कर रीड करने का बोल रही हूँ सुनने का तो नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब पे नहीं हो रही थी नहीं ऐसा नहीं करेंगे कुछ और देख रहे हैं नहीं 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 फिर वो उसके हाथ में आया तो कुछ और अभी मैं थोड़ा सा और ही ना बैठ के देखूं बोल ले आ नोटबुक ले चल ठीक हमें भी चेंज करनी है ओके एक तो एक वो देखो कितना पेज वेस्ट किया फिर साइड ये साइड में ऐसा करके डबल लिख सकते हो वैसे एक ग्रुप के शो में रनिंग कर रहा है ये सब आता है ना ग्रुप मैं आज मुझे ये दिखा मेरा स्वागत है ये दिखा तो ले हम कुछ मन अच्छे से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तुम्हें हां ये हिंदी का गड़बड़ कर रहे हो मेरी पढ़ाई की गड़बड़ी है क्या नहीं मार्क्स मार्क्स कौन दे रहा है नहीं अपने फोन को दूर करो ना देखो टीचर पढ़ा सकता है बेटा कोई भी सब्जेक्ट करना तो बच्चों को ही पढ़ता है कोई एक एक सेकंड में टाइम भी बढ़ने नहीं वाला भाई मुंह क्या की बहुत ज्यादा और अपने चाहते करना है मजा है इसलिए आपको पता है हमारे क्लास में जैसे पता ये लड़का था अपनी घड़ी की तरफ देख रहा हिंदी की मैम ने बोला कि घड़ी की तरफ देख रहे थे ये मेरे बजे अब तो अभी बजे अभी मैम इसके पीछे मार्क्स करने मार्क्स की करेंगे ना मैम बोलते हैं मार्क्स के लिए करना ऐसे कोई नहीं दिया और अब तू मार्क्स पहन के मैं बिना बोल के पढ़ाते हैं मार्क्स बोल के नहीं तो बेटा टीचर बिना मास्क मतलब मास्क लगा के पढ़ाएंगे तो अपन को आवाज क्लियर नहीं आएगी हमारे कारण से मास्क मैं बोल रहा हूं बोला नहीं अच्छा बेटा शाम तक कोशिश करो जब तक टाइम है तब तक थोड़ा सा बोल वो वाला जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं क्या करने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द ठीक है कैसे गीला हो गया बारिश अभी कहाँ बारिश है कल बारिश थी आज नहीं बारिश कल नहीं थी बैठो दिन कल हाँ होगी तो किसी टाइम में तो होगी वो बाहर के लिए होगी थोड़ा सा होगी हाँ चल भाई हाँ तू तो भाग गया था चलो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द करेंगे वो हो जाने के बाद दो घंटे का लेक्चर रहता है ना वो होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं भाववाचक नहीं हुआ ना भाववाचक विशेषण जो भी होगा वो फिर करेंगे उसे लेकिन सबसे पहले अनेक शब्दों के एक शब्द इसमें से है इसका मतलब समझ में आता है पढ़ाए तो समझ में आता है कि वो पूरा चार पांच वर्ड्स रहते हैं हाँ सेंटेंस नहीं होता लेकिन सेंटेंस टाइप का होता है और उसको एक शब्द में लिखना होता है ठीक है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा वो आपको बताना है अभी
थोड़ा सा ऐसा ईगो भी ज्यादा फैलने का है। बिना विचार किया हुआ विश्वास कुछ नहीं आएगा। तुम जो ऐसा मधुमक्खी की तरह भिन्न से बोलते हो ना मुझसे आएगा। कोशिश कर बिना विचार किया हुआ विश्वास जिसका कोई कारण ना हो जो खाने योग्य ना हो अखाद्य अखाद्य एक मुश्किल का है वो भी कर गलत नहीं है वो थोड़ा सा शब्द अचानक होने वाली बात तो हाँ अचानक होने वाली बात आकस्मिक अपना पड़ेगा इंडिपेंडेंस डे की आज्ञा का पालन करने वाला जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला जो दूसरों जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो नहीं आया वो करने के टाइम आप लोगों ने बोला था ये पर विलोम करने के टाइम कोई शब्द था उसके लिए बोला था ठीक है जिसका हृदय विशाल हो उदार है ना उदार हृदय वाले को आप लोगों ने पढ़ा था ना वो महायुद्धता पुरस्कार में उदार हृदय थे वो ठीक है फिर है जिसमें जानने की इच्छा विद्यार्थियों को होना चाहिए क्या होना चाहिए जानने की इच्छा विद्यार्थी को टेस्ट होना चाहिए आज्ञाकारी होना चाहिए स्टूडेंट को हर चीज को हर चीज मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसको पढ़ने के लिए जानने पूछे और पूछे पश्चिमी देशों से संबंधित वेस्टर्न होता है ना वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति बड़े घर की बेटी में था ना पाश्चात्य और ये नेक्स्ट था दूसरी कंपनी पाश्चात्य कल्चर का विरोधी था